पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कराहल में किया रोड शो, जनता से मांगी वोट, जवार बस्ती के हालात देख अचंभित हुए पटवारी। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में अब चुनावी रंग अपने शुमार पर आ गया है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी रोड शो करने आज गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने काफिले के साथ कराहल आए, जहां उन्होंने सबसे पहले जवाहर बस्ती में जनता के बीच पहुंचकर दिवाली मनाई, मां लक्ष्मी जी का पूजन किया और जनता में मिठाई बांटी। इस दौरान जवाहर बस्ती की महिलाओं ने अपनी पीड़ा पटवारी को सुना दी। मूलभूत सुविधाओं के अभाव और दयनीय हालत देख पटवारी अचंभित हुए और सरकार पर तंज कसते हुए बोले कि 20 साल की बीजेपी सरकार में विकास की रफ्तार तो कछुए से भी धीमी है। इसके बाद पटवारी और उसके साथ आए सभी विधायक और नेताओं ने बस्ती में रिंकू के घर पर भोजन किया। इसके बाद अपार जन सैलाब के साथ कराहल नगर में रोड शो करते हुए मुख्य मार्केट से होते हुए करियादेह चौराहे तक पहुंचे, जहां पर कई लोगों से जनसंपर्क किया। कई जगह जीतू पटवारी के स्वागत में लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पटवारी हनुमान जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने कराहल के सुप्रसिद्ध चिंताहरण मंदिर पहुंचे। इस दौरान जनपद सदस्य राजू सैनी सहित अनेक समाज के लोगों ने पीसीसी चीफ का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जवार जवार कॉलोनी के परिवार के बीच में आज हमने दीपावली का पर्व मनाया, लक्ष्मी जी की पूजा की, बेटियों से बातें की, नए युवा साथी जो बेरोजगार हैं उनसे बातें की, उन्हीं के गरीब परिवार के एक साथी ने हमें भोजन कराया। आर्थिक परेशानियां हैं पर उसके बाद भी अद्भुत अकल्पनीय बड़ा दिल, मैं मानता हूँ ऐसा स्वागत सत्कार, ऐसा भावना जो दीपावली मनाने की थी, मैं अद्भुत है। पर्व दीपावली का है पर पर्व चुनाव का भी, और चुनाव के पर्व में भी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार 50,000 वोटों से मुकेश मल्होत्रा को जिताएंगे राम निवास जी घर में। तो मैं मानता हूँ ये कारण वही सवाल है आपका कि 25 साल से बीजेपी सरकार में है और राम निवास जी 35 साल से विधायक है। उसके बाद भी हालात ये है कि 35 साल में बदलाव नहीं है, या सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, या शिक्षा नहीं है, या स्वास्थ्य नहीं है, या बेटियों की मृत्यु होती है डिलीवरी करते वक्त सबसे ज़्यादा देश में, सबसे ज़्यादा बच्चे जो पैदा होते हैं नवजात वो सबसे ज़्यादा मृत्यु यहीं होती है। तो आखिर गरीबियाँ, अशिक्षाया, बेरोजगारियाँ, स्वास्थ्य यानी यहाँ पे मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, हर तरह की लूट आतंक, तो फिर राम निवास जी क्यों जीता है बीजेपी को? तो एक झोपड़ी वाला साथी मिल गया हमको अपना, उनके जैसा मुकेश मल्होत्रा, और महल या एक तरह से कोठी और झोपड़ी की लड़ाई है, झोपड़ी जीतेगी कोठी हारेगी। सर वो एक चीज कह रहे हैं अपने पूरे चुनावी एजेंडे में, मैं विकास नहीं कर पा रहा था इसलिए कांग्रेस छोड़ गया, मुझे एक मौका दो मैं विकास करके दिखाऊंगा, उनका ये कहना है सर चुनावी एजेंडा? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मतलब अभी तक जो बीजेपी थी जिसमें वो गए उनने भी विकास नहीं किया, वो ये आरोप लगा रहे बीजेपी पे, तो फिर बीजेपी ऐसी पार्टी जो विकास नहीं करती तो वोट क्यों? मतलब वो ही कह रहे हैं ना कि मैं विकास नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीजेपी वो विकास नहीं कर रही है, तो दोनों ही अपराधी है ना, ये इस जनता के अपराधी। तो भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों वोट मिलेगा? वोट तो इधर मिलेगा विकास संघर्ष और भविष्य की लड़ाई का। हाँ, मैं सभी आदिवासी भाइयों से, ये मुकेश मल्होत्रा अगर कोई हक और अधिकारों की किसी की लड़ाई में शामिल हुए तो इनका दायित्व था, जनप्रतिनिधि का दायित्व। अभी बीजेपी के लोग अभी आदिवासियों कहते नक्सली है, तो भैया आदिवासी नक्सली है? नक्सली है आदिवासी? तो बीजेपी कहती है ये नक्सली है और मुकेश के संबंध नक्सलियों से, मतलब आप लोगों से इनके संबंध है, यहाँ वीरपुर की जनता से इनके संबंध है, तो वीरपुर की जनता अब नक्सली हो गई, बीजेपी का आरोप है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप माफी मांगो आदिवासियों से।